मुंबई के पवई इलाके की रहने वाली 12 साल की बच्ची ने सिर्फ इसलिए खुद को मौत के गले लगा लिया क्योंकि एग्जाम के दौरान टीचर ने उसे नकल करते हुए पकड़ लिया था। पुलिस की माने तो खुरला इलाके के सेंट माइकल स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा जब एग्जाम दे रही थी तभी क्लास टीचर ने उसकी कॉपी के नीचे नकल करने वाले दूसरे पेपर को देखा और उसके बाद टीचर ने इसकी जानकारी उसके पेरेंट्स को दे दी। बच्ची को घर ले जाने के लिए कहा गया। बच्ची की माँ खुद ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। स्कूल से आने के बाद बच्ची अपने कमरे में चली गई जबकि दूसरी तरफ उसकी माँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। काफ़ी देर तक अपने कमरे से जब वो बाहर नहीं आई तो उसकी माँ उसे देखने के लिए कमरे में पहुंची और देखा कि उसकी बेटी पंखे से लटकी हुई थी। फौरन ही उसे उतार कर नजदीक के अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। जब पेपर खत्म हो गए तब जो मार्कशीट पेपर शीट थे आंसर शीट थी आंसर शीट जब कलेक्ट कर ली थी टीचर तो कलेक्ट करते हुए उनको दिखाई दिया कि वो एक लड़की जो राइटिंग पैड होता है वो पैड के पीछे उसने कुछ तो भी कॉपी चिपका के उसने कॉपी कर चुकी है। तो उन्होंने उसको एग्जाम तो टाइमिंग तो खत्म हो गया था पेपर लिया और उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया कि लड़की ऐसी कॉपी कर रही थी और उसको घर पर जाने के लिए बताया। जब वो ट्यूशन खत्म हो गए तो 3 से 5 के बीच में जब ट्यूशन होने के बाद जब मम्मी अंदर चली गई उसकी रिद्धि की तो उसने देखा कि वो लड़की हैंग कर चुकी थी और पुलिस अभी और बाकी इंक्वायरी कर रही है।